नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। विवादों में रहने वाला जम्मू मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों में है और इस बार का विवाद है प्रिंसिपल की कुर्सी। जी हां, यह समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि आखिर जम्मू मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि दो डॉक्टर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं कि वो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं, लेकिन अभी तक ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि जीएमसी का असली प्रिंसिपल कौन है। देखिए जरा ये रिपोर्ट और फिर तय कीजिए कि जीएमसी में आखिर हो क्या रहा है। जम्मू राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी पर जंग छिड़ गई है। कुर्सी पर दंगल इतना जबरदस्त है और ये समझ पाना मुश्किल है कि जीएमसी का प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि इस कुर्सी पर अब दो लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 14 मार्च को डॉक्टर सुनंदा रैना जीएमसी प्रिंसिपल का पद डॉक्टर जाहिद गिलानी की जगह संभालती हैं, लेकिन डॉक्टर सुनंदा रैना जो प्रिंसिपल नियुक्त की जाती हैं, उन्हें अपनी कुर्सी नहीं मिल रही और डॉक्टर जाहिद गिलानी अपने पद से हटने को तैयार नहीं है। दोनों अपने पद को लेकर आमने सामने हैं। डॉक्टर जाहिद गिलानी का साफ कहना है कि वो किसी कीमत पर इस पद को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिला है जिसमें ये लिखा हो कि उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया है। अगर उन्हें हटाया गया है तो फिर ये बताया जाए कि उन्हें कहां नियुक्त किया गया है। 14 को मैंने ऑफिस में बैठा, कोई ऑर्डर नहीं था हमारे पास। एज पर ऑर्डर्स मैं हूं टिल जब तक सिलेक्शन नहीं होती है, जो सिलेक्शन कमेटी करती है, क्योंकि जो 13 का व्हाट्सएप का ऑर्डर है उसमें मुझे कहां भेजा है वो भी नहीं पता। अगर आप गौर करेंगे उस वीडियो में, मैं कहां हूं फिर। अब कुर्सी को लेकर टकराव इस कदर बढ़ गया है कि सुबह डॉक्टर जाहिद गिलानी बतौर प्रिंसिपल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे वार्ड का दौरा करते हैं और शाम होते होते डॉक्टर सुनंदा रैना बतौर प्रिंसिपल अस्पताल का दौरा करती हैं और बकायदा मीटिंग भी लेती हैं। अब दोनों के दौरे से ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर जीएमसी का असली प्रिंसिपल कौन है। कुर्सी का लालच इन दोनों डॉक्टर्स पर इस कदर हावी है कि अस्पताल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मरीज दर बदर भटक रहे हैं, मरीजों को बकायदा इलाज नहीं मिल रहा। डॉक्टर मरीज के लिए जो टेस्ट लिखते हैं वो टेस्ट अस्पताल में खराब मशीन के चलते हो नहीं पाते, जिस वजह से मरीजों के तीमारदारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्चस्व की लड़ाई में इन डॉक्टर्स को मरीजों की तकलीफों से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें तो बस कुर्सी से प्यार है। बात है कि एमरजेंसी में लिखा, पहले हम गए आईसीयू ऊपर तीसरी मंजिल पे, ठीक है। उसके बाद हमारे उन्होंने बोला हमारी मशीन खराब हो गई है, फिर उन्होंने भेजा हमें एमरजेंसी में ऊपर, बोला उन्होंने कि जाकर ये देखिए सर जो मशीन है ऊपर हमारी खराब है, नीचे आए तो नीचे पता किया, उन्होंने भी खराब बोला मशीन। अब कहाँ जाएंगे हम टेस्ट अभी रात को। जिस पेशे को भगवान का दर्जा दिया गया है, आज वही पेशा कुर्सी के लालच में एक दूसरे के अहंकार से टकरा रहा है। ऐसा क्या है इस कुर्सी में कि दोनों डॉक्टर मरीजों के इलाज को भूलकर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत खामोशी अख्तियार कर तमाशा देख रहे हैं। मंत्री जी को इतनी भी सुध नहीं कि उनके नाक तले अस्पताल में क्या हो रहा है, ये सोचने का वक्त ही नहीं कि आखिर क्यों जीएमसी हमेशा चर्चाओं में रहता है, क्यों इस जीएमसी में इतनी लापरवाही हो रही है और मरीजों को क्यों दर बदर भटकना पड़ रहा है। टेस्ट बाहर से क्यों करवाए जा रहे हैं, क्यों कुर्सी पर दो डॉक्टर आमने सामने हैं? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब मंत्री जी को देना ही होगा, लेकिन अफसोस इन सब पर मंत्री जी की खामोशी उनकी बेबसी का सबूत दे रही है और सवाल कर रही है कि क्या मंत्री जी को भी कुर्सी पसंद है या फिर कर्तव्य। अमित अजरावत के साथ अनिल गुप्ता की रिपोर्ट, वक्त इंडिया के लिए।